मेरा कुरान और उनका माशाल्लाह भागवत पुराण क्या कहे। वैसे तो जलसे जुलूस हों तो औरतों के इश्क का जज्बा देखे होंगे आप। एक हफ्ता पहले ही तैयारी शुरू, आज जब वक्त आएगा तब अपने शोहर से कहेंगे जी सुनती ही सुनते हो, पहला जगह जलसा है मैं जाना चाहती हूँ। अब वो जो सुनता है तो इतना फूलता है कि फूले नहीं समझता, कहता हो 46 इंच LED सामने, LED के सामने रोमांस वाली फिल्में देखती है तो पूछती ही नहीं है। जरा और से सुनना इस्लाम के शहजादे, सिनेमा घर बना के रखी है, सीरियल देखती है तो पूछती ही नहीं, आज जलसे में जा रही है अल्लाह क्या बात है पूछ रही है। शौहर बोलेगा अरे इस्लाम की शहजादी, अरे तू शर्म क्या करती है, मुझसे मत कुछ सवाल जवाब कर, तू जा कम से कम अच्छी बात तो सीख करा जा। लिहाजा जब वहां से चलती है अल्लाह अकबर क्या चीज पहनती है, जो पहनना चाहिए उसे छिपाती है, जो उसे छिपानी चाहिए उसे पहनती है। हैरत होती है हमें। मेरा एक जुमला है नकाब, मेरे अलावा नहीं सुनोगे क्योंकि मेरा ही जुमला है, नू से नंगा काब से कैद करना बे से पूरे बदन को, इसी को ना नकाब कहते हैं। मैं कहा करता हूँ औरतों तुम नकाब में रहो, कमबख्त सारा जमाना अपनी औकात में रहेगा। आपने सुना होगा जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ के फसलें खराब हो जाती हैं, जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार क्या है यार, अगर तुम चाइना की दीवार भी खड़ा कर दो और बेटियों के हाथ में मोबाइल रख दो तो उस दीवार का कोई मतलब नहीं। सही है ना, उस दीवार का कोई मतलब नहीं। खैर जुमला नोट करना। खैर जब वो घर से आती है नकाब पहनकर जलसों में, बड़े बड़े शीशे कांच फिट हैं कढ़ाई के साथ, बड़े बड़े शीशे फिट हैं कांच, जब वो चलती है सूरज की किरणें जब उस कांच पे टकराती है वापस पलट कर जब रोशनी आती है, किसी दुकानदार के चेहरे पे रोशनी जाती है, किसी रिक्शा चालक के चेहरे पे रोशनी जाती है, किसी ऑटो सवार के चेहरे पे रोशनी जाती है, किसी डॉक्टर या किसी मास्टर के चेहरे पे रोशनी जाती है। अल्लाह अकबर, अगर वो ना देखने की कोशिश करे, बदरपुर के मुसलमानों कलम को रोक रोक कर बार बार देखने की कोशिश करे, अरे ये कौन जा रही है। खैर यहाँ तो नहीं लेकिन और जगह जलसों में आती है, जलसा सुनती है कि चेयर पे बैठ के चीयर्स करती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। जब घर जाएंगी उनका शौहर पूछेगा अरे मेरी बेगम साहिबा क्या क्या सीख कर आई थी, अब सुनिए। अरे क्या सीख कर आई थी नहीं, सुनो बड़े भारी भारी मौलाना हजरत आए थे, बड़े भारी भारी, बड़े भारी भारी। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस इस्लाम के शहजादों जब रचाया गया था, अल्लामा जाकिर साहब क़िबला उस्ताज़ुश्शोरा ने जब रचाया था तो बड़े भारी भारी खुतबा को बुलाया, बड़े भारी भारी, कोई मुंबई से आए थे तो कोई दिल्ली से ही आए थे, कोई यूपी से आए थे, बड़े भारी भारी आए थे। भैया उनसे पूछना चाहते हैं कितने भारी भारी आए थे, 20-30 क्विंटल के आए रहे। ये हाल है, इनके अंदर बीमारियों की कमी नहीं। मैं बताऊं अगर कोई चीज तुम्हें लीक करनी हो ना, गौर से सुनना, कोई चीज अगर तुम्हें दौड़ानी हो सोशल मीडिया से भी तेज, तो एक औरत की कान में कोड़ दो, दूसरे दिन पूरे खानदान में दौड़ी रहेगी। सही है ना, और झगड़े करने में तो सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेसवे भी फेल, कट 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 उतना तेज तो बेचारे का माइक नहीं चलता होगा जितनी तेज उनकी जमाने जबाने चलती। सही बोला ना इस्लाम के शहजादे, उनके अंदर बीमारियों की कमी नहीं। जब पता चले तो रंग बदल लेती हैं, गिरगिट भी फेल हो जाता है, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह खुद करता और लानत भेजता शैतान। खैर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा इनके बारे में। इसी भारत में दो प्रकार के रामायण है, कितने रामायण, माशाल्लाह तुलसी रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ही में मति मंत अनारी, जो नीच में नीच है उससे भी ज्यादा नीच औरत है। जब कबीर दास को पता चला तो उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी सादे कागज पे लिख ही दिया कि नारी की छाई पड़े अंधा हुए भुजंग, कबीरा उनकी कौन गत जो नीत नारी के संग। अरे अगर किसी औरत का साया किसी सांप पर पड़ जाए तो वो अंधा हो जाए, उस मर्द का क्या कहना जो नीत दीन औरतों के संग रहता है। तो कि
किसी ने प्रश्न कर ही लिया महाराज, जब आप औरतों को इतनी अशुद्ध वस्तु मानते हैं तो आपने शादी क्यों की, आपने विवाह क्यों किया, आपने निकाह क्यों कर लिया? तो उत्तर प्रदान करते हैं, अरे पगले नारी तो हम हो गयो पर किया नहीं विचार, नारी तो हम हो गयो पर किया नहीं विचार, अजब जानी तब पर हरी नारी बड़ा बेकार, जब पता चला तो हमने उसे छोड़ ही दिया। लेकिन इस्लाम के शहजादों और इस्लाम के दामन में आओ, आजकल जो बांग्लादेश की भी कुछ बेहया औरतें पैसे लेकर अखबारों में छपवाती फिर रही है, तो इस्लाम ने मुसलमान बच्चियों को न्याय नहीं दिया, मज़हब इस्लाम ने मुसलमान बच्चियों को सरासर अन्याय किया है। शहाबुद्दीन कहता फिरता है कि अगर सबसे पहले किसी की खातिर युद्ध लड़ी है तो अकड़ती हुई बच्चियों की खातिर मेरे मुस्तफा ने लड़ी है, अगर सबसे पहले किसी की खातिर लड़ाई लड़ी है तो अदबती हुई बेटियों की खातिर मेरे पैगंबर ने लड़ाई लड़ी है। और यहीं तक ही नहीं, मेरे नबी ने भी इरशाद फरमा दिया सहाबा सितरन मिनन नार हिजाबन मिनन नार, एक बच्ची जब पैदा होती है तो अपने में एक बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बख्शवाने की आग बनती है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सहाबा जब बच्ची पैदा होती है तो तीन रूप धारण करती है, जब पहले रूप को धारण करती है तो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की जरिया बनती है, जब दूसरे रूप को धारण करती है तो अपने शौहर के बख्शिश की जरिया बनती है। मेरे पैगंबर मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं सहाबा अरे दिन का उजाला है या रात की तारीखी, अगर मियां बीबी मुस्कुराकर मुलाकात करते तो अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा देता है। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा जब वो तीसरे रूप को धारण करती है तो अपने बच्चों के लिए बख्शिश की जरिया बनती है। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं सहाबा अरे अगर किसी के घर एक भी बेटी हो, पाल पोष करके बड़ा करके अच्छी तालीम दे करके शादी कर दे तो मैं मुस्तफा तुझे जन्नत की बशारत देता हूँ। किसी ने अर्ज किया आका आप पर मेरी जान कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अरे अल्लाह के नबी जिनकी पांच बच्चियां हो तो? नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं सहाबा अगर पांच हो तो भी पाल पोष करके बड़ा करके अच्छी तालीम दे करके शादी कर दे तो मैं मुस्तफा तुझे जन्नत की बशारत देता हूँ। किसी ने अर्ज किया आपकी चरणों तले मेरी प्राण निछावर, या रसूल अल्लाह जिनकी दस बच्चियां हो तो? मेरे पैगंबर मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं सहाबा अरे एक हो, पांच हो, दस हो, चाहे जितनी भी बेटियां हो, पाल पोष करके बड़ा करके अच्छी तालीम और तरबियत दे करके ब्याह रचा दे तो मैं पैगंबर तुझे स्वर्ग लोक की बशारत देता हूँ। अब आका का आदना सा गुलाम तस्वीर की दुनिया में पहुंच के अपने आका के चरणों में शरण लेकर के निवेदन करता है कि महाराज आज पूरी दुनिया जिसे अशुद्ध वस्तु मानती है आपने तो उसे शुद्ध ही बना दिया, तो मेरे पैगंबर आज भी मदीने से आवाज लगाते हैं अरे है मेरी उम्मत के लोग सुनो, अगर तेरे घर कोई बेटा है तो मेजबान की तरह है, याद रख कोई बच्ची है तो एक नंबर मेहमान की तरह है। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पना, आज मदद मांगने से कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे।